तो आप देख सकते हो ये है मंथ 14 का रॉयल पास, और जब हम अपग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ये तो देखो यहाँ अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आ गया हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है BGMI के अंदर। जब हम रॉयल पास के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर हमें वो ट्रेलर तो दिखाई नहीं देता जो कि है मंथ 14 रॉयल पास का। और ये रॉयल पास के अंदर आप देख सकते हो ये डिज़ाइन भी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब ये ग्राफिक्स भी गायब हो गए हैं। और आप देख सकते हैं नाइट ऑफ द फेबल्स, तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ट्रेलर दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज़ आता है और कुछ नहीं होता। आप देख सकते हो मैं कितने बार दबा रहा हूँ। और नेक्स्ट, अगर आप रॉयल पास को परचेज करने जाओगे, आप देख सकते हो नीचे ऑप्शन है अपग्रेड पास, तो इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो ये सीधा होम स्क्रीन पर लेकर आता है। तो यार ये बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। तो ये सब क्या हुआ है, इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे, कुछ भी स्किप मत करें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दे और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आज मैं शाउट आउट देना चाहूंगा मिस्टर संजीत को, जिसने मुझे भर भर के पॉपुलैरिटी सेंड की है। थैंक यू ब्रो फॉर सेंडिंग पॉपुलैरिटी सपोर्टिंग। तो दोस्तों, आपको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि रॉयल पास जब हम बाय करने जाते हैं अपग्रेड के ऊपर तो ये बाय नहीं हो पा रहा, मतलब वो बटन ही वर्क नहीं कर रहा और बाकी ये ग्राफिक्स भी दिखाई नहीं दे रहे। और हम देखते हैं कि क्या हम EZ मिशन लाइसेंस को खरीद सकते हैं नहीं। कि टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यह फ्री में दिखाई दे रहा है, तो हम क्लिक करते हैं। ये देखो, यू मस्ट अपग्रेड योर पास टू परचेस द EZ मिशन लाइसेंस, तो अपग्रेड नाउ ओके पर क्लिक करते हैं। ये देखो, तो इससे भी मतलब वर्क नहीं कर रहा। तो मैं चेक कर रहा था कि यार ये EZ मिशन लाइसेंस के यहाँ से क्लिक करके हम रॉयल पास के परचेस के पेज के ऊपर जा सकते हैं नहीं, तो ये भी नहीं कर सकते। आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, फ्री के ऊपर ओके के ऊपर क्लिक किया और ये देखो आ गए है। तो दोस्तों, ये क्या प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूँ, ये ग्लिच हो सकता है इसे हम कह सकते हैं, पर एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो ये उन्होंने बंद कर दिया है, मतलब रॉयल पास परचेस का क्राफ्टन ने ही बंद कर दिया है ऑफिशियली। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर ये करेक्ट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अगर आप गेम लॉगिन करते हो तो आपको एक नोटिस भी दिखाई देगी, जो फिलहाल में अभी दिखाई नहीं दे रही, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक नोटिस भी कुछ तो आ रही है, मतलब वो कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं कि आप रॉयल पास नहीं कर सकते, या फिर गेम के बारे में भी वो हो सकता है, गेम बैन है या नहीं। तो आपको मैं बता दूँ कि ये शायद उनके तरफ से ही उन्होंने बंद किया है, और अगर ये ग्लिच है तो वो फिक्स करेंगे या नहीं इसका भी कोई आइडिया नहीं है गाइस, क्योंकि आपको भी पता है उनके लगे पड़े हैं, वो अनबैन में बिजी है, तो वो फिक्स करेंगे भी या नहीं पता नहीं। अगर फिक्स कर दे तो फिर छोटा सा अपडेट आ जाएगा और उससे ये फिक्स हो जाएगा। और जो मैं आपको प्रूफ की बात कर रहा था कि यार ये ग्लिच नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम जाते हैं पबजी मोबाइल के अंदर। दोस्तों, मैं आ गया हूँ पबजी मोबाइल के अंदर। तो ये पबजी मोबाइल है, तो अभी आप देखो पबजी मोबाइल के अंदर अगर हम रॉयल पास पर क्लिक करते हैं तो ये देखो रॉयल पास ठीक से दिखाई देता है, या लेफ्ट में देखो ये ग्राफिक्स भी दिखाई देते हैं, और ये नाइट ऑफ द फेबल्स के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ट्रेलर भी दिखाई देता है। मतलब ये पबजी मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये रॉयल पास के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने क्राफ्टन ने शायद वो कुछ तो बंद किया है, उसी वजह से नहीं हो रहा। आप देख सकते हो यहाँ हम अपग्रेड पास के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो परचेस का ऑप्शन आ रहा है और बाकी सब कुछ यहाँ चल रहा है। देखो ये भी ठीक से दिखाई दे रहा है, मिशन EZ लाइसेंस के ऊपर क्लिक करके ये देखो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बाय हो जाएगा, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो गाइज, आपने देखा ही होगा कि पबजी मोबाइल के अंदर ठीक चल रहा है पर BGMI के अंदर नहीं, दोनों सेम था, कोई अपडेट नहीं आया है दोनों में, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसे ये कुछ थोड़ा फिशी लग रहा है मुझे, तो शायद ये क्राफ्टन ने ही किया है। तो हम वेट करेंगे गाइस, देखते हैं कोई अपडेट या फिर वो नोटिस फिर से आ जाए और ठीक से दिखाई दे कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो यार हमें पता चल जाएगा। तब तक गाइस आप वेट करो और आप रॉयल पास के मिशन कम्प्लीट करते रहो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको week 1 के सारे मिशन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।